नाज़रीन, मेरा नाम सिशान रज़ा है और आप सिशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि वीडियो देखने के लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, ये कोई आम टेलर मास्टर नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क में ऐसे सूट जो हैं वो नहीं सिए जाते, क्योंकि हर शख्स हर दर्जी जब सूट सीता है तो उसे मशीन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास ऐसे भाई मौजूद हैं जो सुई और धागे के साथ जो है वो सूट सीते हैं, जिसे गुम सिलाई भी कहा जाता है। और ये ख़ास तौर पर जो है वो जंग में ये सूट सिए जाते हैं, और ये बाबा टेलर्स हैं, इनकी शॉप है, और हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनका तारुफ भी सबसे पहले इनसे लेते हैं, आपको तारुफ करवाते हैं कि ये हैं, कितने साल से ये इस काम से वाबस्ता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं पहले, तो हमारे जो है वो देखने वाले नाज़रीन को आप अपना नाम बताएं, उसके बाद हमें ये बताएं कितने साल हो गए आपको ये गुम सिलाई के सूट सीखे, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह से इसे सीखे। मेरा नाम मोहम्मद यूनस है, मोहम्मद यूनस, और बाबा के नाम से मैंने अपनी दुकान बनाई। अक्सर तकरीबन 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 30 years लॉन्ग टाइम। ये हमारी गुम सिलाई में ये हमने ईजाद की है, हाथ से सूट बना पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी सुई और धागे के साथ सूट नहीं सिए जाते, सिर्फ यहाँ पे ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, यही सीते हैं। अच्छा, किस तरह से सीते हैं हमें जरा सी के दिखाएं। सर, आपको सी के ना दिखाएं तो उससे मज़ा नहीं है। देखें किस तरह सी सीते हैं। सर, ये अंगूठी। ठीक है, ये अंगूठी खास तौर पे अंगूठी जो है वो साथ रखनी पड़ती है, अंगूठी और सुई और धागा, उसके साथ सूट जो है वो सिया जाता है। ये ऐसे हम ऐसे सूट को हाथ से बनाएंगे सुई के साथ। अच्छा, ये मशीन की सिलाई इस्तेमाल नहीं होती। आप ये सूट देख सकते हैं। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये सूट दिखाऊंगा, ये सूट देखें, ये सूट है, ये किस तरह से सिला हुआ है आप ये देख सकते हैं। जो ये वीडियो है ये मैं इसलिए बनाना चाह रहा था, और इनसे मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने देखा कि ऐसा मुनफरद काम कोई भी नहीं करता, ये हमारा कोई पेड कंटेंट नहीं है, ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऐसी सिलाई नहीं होती, ये सिर्फ सिलाई यहाँ पे की जाती है। इनसे पूछते हैं कि कीमत कितनी है। अच्छा, आप मुझे बताएं एक सूट के सीने के लिए कितने पैसे लगते हैं। हम इधर जंग में तकरीबन 1500 रुपये ले रहे हैं। 1500 रुपये ले रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल 1500 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, इसमें 1500 में आप सूट सी के देते हैं। हाँ, कितना वक्त लगता है आप। हम गार्ड को तकरीबन 15 दिन का टाइम देते हैं। 15 दिन का कम अज़ कम। तो अगर आप चाहते हैं गुम सिलाई में सूट सिलाना, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा आपको। हाँ। अच्छा, उससे पहले बन नहीं सकते, क्योंकि एक सूट का भी टाइम तकरीबन एक दिन में एक कारीगर एक। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में आपके ये सूट्स मशहूर हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में ये सूट्स मशहूर हैं, और कौन कौन पहनता है वो भी इनसे पूछते हैं, कौन कौन पहनता है वैसे ये गुम सिलाई के सूट। तकरीबन जंग में तो तकरीबन सारी इंतजामिया सारे पूरे मुल्क में कौन कौन से लोग, ऐसी कौन कौन सी शख्सियात है जो ये सूट पहनती है। ऐसी शख्सियात तो तकरीबन बुक पे नाम होंगे, मुझे ऐसे नाम याद नहीं है, मगर मुल्क के बहुत बहुत बड़े अफीसर, बहुत जान की सियासी शख्सियात, यानी सियासतदान, समाजी शख्सियात, जिम्मेदार और ताजर और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये गुम सिलाई के सूट पहनना पसंद करते हैं। फुटेज आप देख रहे हैं, विंडो में फुटेज चल रही है, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इन्होंने सीए, इसके कफ आप देख सकते हैं, और ये यकीनन वाकई जिस सफाई और जिस तरीके से ये सीए इन्होंने, इसकी मिसाल नहीं है, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। रेट सुनकर आप थोड़े परेशान होंगे कि यार 1500। एक बात याद रखें कि 1000 रुपए आम सादा सूट की सिलाई पर लगते हैं, 1000 रुपए, तो 500 का डिफरेंस है। लेकिन आप ये सोचिए कि मेहनत कितनी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 15 रोज लग जाते हैं इसे सूट, लेकिन वो जो सूट होता है वो अपनी मिसाल आप होता है। तो हम यहाँ पहुँचे, हमने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं विंडो में के साथ किस तरह से ये कितने लोग आपके नीचे काम करते हैं, और बड़े बड़े लोग आपसे सीख के जा रहे होंगे। हाँ जी, तकरीबन इस वक्त हमारे पास तकरीबन 20-25 कारीगर हैं, दो हम भाई हैं। अच्छा, दो हमारे कज़न हैं, तकरीबन हमारे पूरा ही खानदान जो है ना इसी काम में लगा, इसी काम से वाबस्ता है। और कितनी दिहाइयाँ गुजर गई आपको, कितना सा हो गया इस काम। तकरीबन 30 साल। 30 साल, 30 साल से ये इस काम को जारी रखे हुए हैं, और हम चाहते थे कि हम आपको दिखाएं कि वो कुम सिलाई क्या है, और ये जहाँ हम झंग की अगर बात करें तो हमारे ये झंग एक पंजाब का तारीखी शहर है, तो यहाँ पर जो है यहाँ की
जो गुम सिलाई के सूट हैं, यानी गुम इसलिए कहा जाता है क्योंकि नजर नहीं आती। गुम सिलाई का आप सोच रहे होंगे भाई गुम सिलाई क्या होती है, तो ये सिलाई नजर नहीं आती पूरे सूट में, इसी तरह सूट में नजर नहीं आती सिलाई। और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये सूट जो है वो सिले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं इनसे सूट सिलवाना तो नंबर मैं नीचे देता हूँ, आप इनसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। तो जनाब फिल वक्त के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।